जनपद संभल के रजपुरा थाना क्षेत्र के सिकंदरपुर खागी गांव के बाल्मीकि समाज के युवक ने अपनी ही गांव की रहने वाली जाटव समाज की लड़की से प्रेम विवाह कर लिया था, जिसके बाद लड़का लड़की हिमाचल प्रदेश के कालका चले गए। लेकिन गांव का प्रधान, जो कि दबंग प्रवृत्ति का है, और लड़के के परिजनों को जान से मारने की धमकी दे रहा है और कह रहा है कि तू बाल्मीकि समाज की है और अपने बेटे की शादी जाटव की लड़की से करेगी, तेरी भलाई इसी में है कि तू उसकी लड़की वापस कर दे, वरना तुझे और तेरे परिवार को जिंदा जला देंगे। जिसकी शिकायत हमने पुलिस से की, लेकिन पुलिस कोई भी कार्यवाही नहीं कर रही है। क्या नाम है आपका? शीला नाम। क्या समस्या है आपकी? समस्या जो है सर, का हमारे लड़का ने कोर्ट मैरिज करिए गांव के गांव में से, उन्हें लड़का को लड़की कोर्ट ने दे दी, कोर्ट ने दे दी, वे हंसी खुशी हिमाचल कमा खा रहे हैं। मगर प्रधान ने हमारे मकान पर कब्जा कर रखा है, हमें गाँव में नहीं घुसने दे रहा है। परसों गए हैं गांव में पुलिस की जरिया से, चौकी भारी पुलिस की जरिया से, तो सर उन्होंने कल फिर धमकोनी दी है हमें कि हम जान से मार देंगे ना, हमें भंडारा कर लेने दे। 13 बार इतना। घर से क्यों निकलना है आपको? घर से तो बाद को, हम बाद को निकले हैं, लड़की पहले निकल गई है, लड़की लड़का हमें पता नहीं सर। आप किस समाज से हो? हम बाल्मीकि सर। और लड़की? लड़की जाटव है सर। तो दोनों लव मैरिज की है? लव मैरिज की है सर। तो इसमें किसी को क्या दिक्कत है? प्रधान को दिक्कत है सर, इसलिए प्रधान हमें गांव में नहीं घुसने दे रहा है सर, और जाते मारने की धमकी देता है। एक बार गया था मैं, वो जयराम जी की नहीं करी थी उनसे, तो मेरे हिटलर तमंचा रख दिया उन्होंने। और सर फिर बीमार पड़ गई मेरी घरवाली, उसको मैं बुलाने गया डॉक्टर के लिए, तो मैं सर पर 4-5 चप्पल मारी उसने, सर जयराम जी नहीं करता है। अब अभी गए थे दरवाजे साहब ने अंदर घर पहुँचाए, हम घर पहुँचाने के बाद उसने एक कहा तो सारे मतलब थोड़ा जब बच्चे जल ले के आए उसके बाद में तुम्हें देखता हूँ, मैं जिंदे में आग लगाऊंगा, तुम्हें सारे गांव में नहीं रहने दूंगा मैं। सर ये हटके था हमें सर, सब जगह हमने जो भी एप्लीकेशन सारी जगह दे चुके हैं, हमें न्याय मिलना चाहिए सर। पुलिस के पास गए क्या हुआ? हाँ पुलिस के पास गए थे सर, चौकी वाले ने जाकर के कंडे फंडे उसमें अगले भरे हुए थे, उन्होंने निकलवा दिए सर। निकलवाने के बाद उन्होंने बोला अब कोई होती है मुझे फ़ोन करना, खुद फ़ोन किया सर तो बोले खुद फेंक दो। तो प्रधान ने वहाँ से गया और रात को रुकने दोने के लिए, फिर रात को देखते हैं हम सर, रात को भाग जाए वहाँ से जान बचा करके। दोबारा पुलिस के पास गए? दोबारा नहीं गए साहब हम। क्यों? इसलिए नहीं गए कि जब फ़ोन करते हैं तो दरवाजा साहब ये कह देते हैं तो जो भी होगा बाद में फ़ोन कर लेना, तो मर जाएंगे साहब, जब फ़ोन होगा फिर कौन करेगा हमारा फ़ोन?